स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूँ नगमा खान। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मीरा भाईंदर की तीन खबरों को सराहने के लिए। आइए आज हम जानते हैं कि मीरा भाईंदर की क्या है पहली खबर। अगर हमारे चैनल या हमारी खबरों के लिए आपकी कोई राय है तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ और सुझाव भी ज़रूर लिखें। हम यही चाहते हैं कि आपको हमेशा सच से रूबरू कर। मीरा भाईंदर में भाजपा पदाधिकारी अजय सिंह राजपूत और कृष्ण कुमार तिवारी के खिलाफ नवगढ़ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी कृष्ण कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं आरोपी अजय सिंह राजपूत फरार हो गया है। मीरा रोड मेदित्या नगर की रहने वाली तलाकशुदा पीड़िता फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम कर रही है। वह फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर कलाकारों को उपलब्ध कराकर अपना और परिवार का पालन पोषण करती है। मार्च 2018 में महिला की मुलाकात नरसिम्हा ग्रुप के कृष्ण कुमार से हुई। कृष्ण कुमार ने इस महिला से शादी का लालच देकर संबंध बना लिए और इसका हमेशा ही गलत फायदा उठाने लगा। कृष्ण कुमार के दोस्त अजय सिंह राजपूत की भी बुरी नजर उस महिला पर थी, जिसके चलते उसने उस महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद उस महिला ने नगर पुलिस में मामला दर्ज करवाया। आइए अब नजर डालते हैं मीरा भाईंदर की आज दूसरी खबर पर। उपायुक्त जन स्वास्थ्य डॉक्टर संभाजी पानपट्टे को हटाकर उपायुक्त अजीत मोटे को सौंपते ही उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 200 किलो से अधिक प्लास्टिक बैग जब्त किए गए हैं और जुर्माना वसूल किया गया है। जहां सरकार ने प्लास्टिक बैग, कंटेनर, चम्मच, ग्लास, स्ट्रॉ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं मीरा भाईंदर में प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग बेरोक टोक शुरू हो गया है। उपायुक्त डॉक्टर संभाजी पानपट्टे और स्वच्छता निरीक्षक के शामिल होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कुछ माह पूर्व उपायुक्त अजीत मुठे ने जब अतिक्रमण के आरोप में वार्ड 3 में भाईंदर ईस्ट स्टेशन के सामने एक प्लास्टिक के गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्लास्टिक का स्टॉक जब्त किया था, साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी वसूल किया गया। जैसे ही उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला, मुठे ने स्वच्छता निरीक्षकों को प्लास्टिक विक्रेताओं पर नकेल कसने का आदेश दिया। इसी के तहत गुरुवार को स्वच्छता निरीक्षक प्रकाश पवार, रविंद्र पाटिल, श्याम चौगुले, मोहन पेड़ावी, अनिल राठौड़ और अरविंद चालके ने क्रमशः जनता नगर, गोल्डन नेस्ट, मीरा रोड, कनकिया, चैना और उत्तर में प्लास्टिक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 किलोग्राम माल जब्त किया प्लास्टिक और 40 किलो प्लास्टिक, उसमें हजारों का जुर्माना वसूल किया गया है। शुक्रवार को पेंकरपाड़ा निवासी शिल्पा चोपड़े और दोपहिया वाहन पर प्रेस लिख कर प्लास्टिक की थैलियां बेचती हुई हटके क्षेत्र में पकड़ी गई। उसके पास से स्वच्छता निरीक्षक अनिल राठौर और उनकी टीम ने 180 किलो प्लास्टिक बैग जब्त किए। उसकी बाइक भी जब्त कर ली है और मामला दर्ज किया गया। प्लास्टिक से मुक्त करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए शहर प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नियमित कार्रवाई करना जारी रखेगा। मुठे ने चेतावनी दी है कि जो सफाई निरीक्षक अपने क्षेत्र में प्लास्टिक पाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइए चलते हैं तीसरी खबर पर। एस्कॉर्ट के नाम से वेश्याओं के एक गिरोह द्वारा अनैतिक मानव तस्करी निषेध शाखा स्थापित की गई है। इस मामले में पुलिस ने देह व्यापार के लिए लड़कियों की आपूर्ति करने वाले दलाल राजेश चौरसिया को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक महिला को छोड़ दिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस गिरोह के सरगना अरविंद और संजय और विजय यादव की भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की है। यह गिरोह सोशल मीडिया और संदेशों के माध्यम से एस्कॉर्ट सेवाओं के प्रावधान का विज्ञापन करके लड़कियों को वेश्यावृत्ति में बेच रहा था। आरोपी राजेश चौरसिया एक रिक्शा चालक है और वसई तालुका के नायगांव पूर्व के बापाना गांव के रहवासी हैं। आपका साथ ही हमारी ताकत है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का।